ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी के द्वारा अर्ध नारीश्वर रूप की स्तुति और उस स्तोत्र की महिमा। वायुदेव कहते हैं, जब फिर ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा बढ़ न सकी, तब उन्होंने पुनः मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। इसके पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए तब तक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके थे। तब उन्होंने मन में ऐसे विचार को स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके मनोरथ की सिद्धि में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये प्रजाएं बढ़ नहीं सकती। ऐसा सोचकर विश्वात्मा ब्रह्मा ने तपस्या करने की तैयारी की। तब जो आद्या अनंत्या लोक भाविनी सूक्ष्मतरा शुद्धा भावगम्या मनोहरा निर्गुणा निरप्रपंचा निष्कला नित्या तथा सदा ईश्वर के पास रहने वाली जो उनकी परमा शक्ति है, उसी से युक्त भगवान त्रिलोचन का अपने हृदय में चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तीव्र तपस्या में लगे हुए परमेष्ठी ब्रह्मा पर उनके पिता महादेव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए। तदनंतर अपने अनिर्वचनीय अंश से किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो भगवान महादेव आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से नर शरीर से ईश्वर होकर स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए। उन सर्वव्यापी सब कुछ देने वाले सत असत से रहित समस्त उपमाओं से शून्य शरणागत वत्सल और सनातन शिव को दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी उठे और हाथ जोड़ महादेव जी की और महादेवी पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा बोले, देव महादेव आपकी जय हो, ईश्वर महेश्वर आपकी जय हो, सर्वगुण श्रेष्ठ शिव आपकी जय हो, संपूर्ण देवताओं के स्वामी शंकर आपकी जय हो, प्रकृति रूपिणी कल्याणमयी उमे आपकी जय हो, प्रकृति की नायिके आपकी जय हो, प्रकृति से दूर रहने वाली देवी आपकी जय हो, प्रकृति सुंदरी आपकी जय हो, अमोघ महामाया और सफल मनोरथ वाले देव आपकी जय हो, जय हो, अमोघ महालीला और कभी व्यर्थ न जाने वाले महान बल से युक्त परमेश्वर आपकी जय हो, जय हो, संपूर्ण जगत की माता उमे आपकी जय हो, विश्व जगन्मय आपकी जय हो, विश्व जगत धात्री आपकी जय हो, समस्त संसार की सखी सहायिके आपकी जय हो, प्रभो आपका ऐश्वर्य तथा धाम दोनों सनातन है, आपकी जय हो, जय हो, आपका रूप और अनुचर वर्ग भी आपकी ही भांति सनातन है, आपकी जय हो, जय हो, अपने तीन रूपों द्वारा तीनों लोकों का निर्माण पालन और संहार करने वाली देवी आपकी जय हो, जय हो, तीनों लोकों अथवा आत्मा अंतरात्मा और परमात्मा तीनों आत्माओं की नायिके आपकी जय हो, प्रभो जगत के कारण तत्वों का प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी कृपा दृष्टि के ही अधीन है, आपकी जय हो, प्रलय काल में आपकी उपेक्षा युक्त कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से जो भयानक आग प्रकट होती है उसके द्वारा सारा भौतिक जगत भस्म हो जाता है, आपकी जय हो, देवी आपके स्वरूप का सम्यक ज्ञान देवता आदि के लिए भी असंभव है, आपकी जय हो, आप आत्म तत्व के सूक्ष्म ज्ञान से प्रकाशित होती हैं, आपकी जय हो, ईश्वरी आपने स्थूल आत्म शक्ति से चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, आपकी जय हो, जय हो, प्रभो विश्व के तत्वों का समुदाय अनेक और एक रूप में आपके ही आधार पर स्थित है, आपकी जय हो, आपके श्रेष्ठ सेवकों का समूह बड़े बड़े असुरों के मस्तक पर पांव रखता है, आपकी जय हो, शरणागतों की रक्षा करने में अतिशय समर्थ परमेश्वरी आपकी जय हो, संसार रूपी विश्व वृक्ष के उगने वाले अंकुरों का अनुमूलन करने वाली उमे आपकी जय हो, प्रादेशिक ऐश्वर्य वीर्य और शौर्य का विस्तार करने वाले देव आपकी जय हो, विश्व से परे विद्यमान देव आपने अपने वैभव से दूसरों के वैभव को तिरस्कृत कर दिया है, आपकी जय हो, पंचविध मोक्ष रूप पुरुषार्थ के प्रयोग द्वारा परमानंदमय अमृत की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर आपकी जय हो, पंचविध पुरुषार्थ के विज्ञान रूप अमृत से परिपूर्ण स्तोत्र स्वरूपिनी परमेश्वरी आपकी जय हो, अनंत भयानक संसार रूपी महारोग को दूर करने वाले
वैद्य शिरोमणि आपकी जय हो। अनादि कर्म फल कर्म मल एवं अज्ञान रूपी अंधकार राशि को दूर करने वाली चंद्रिका रूपिणी शिवे आपकी जय हो। त्रिपुर का नाश करने के लिए कालाग्नि स्वरूप महादेव आपकी जय हो। त्रिपुर भैरवी आपकी जय हो। तीनों गुणों से युक्त महेश्वर आपकी जय हो। तीनों गुणों का मर्दन करने वाली महेश्वरी आपकी जय हो। आदि सर्वज्ञ आपकी जय हो। सबको ज्ञान देने वाली देवी आपकी जय हो। प्रचुर दिव्य अंगों से सुशोभित देव आपकी जय हो। मनोवांछित वस्तु देने वाली देवी आपकी जय हो। भगवान देव कहाँ तो आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी तुच्छ वाणी, तथापि भक्ति भाव से प्रलाप करते हुए मुझ सेवक के अपराध को आप क्षमा कर दें। इस प्रकार सुंदर उक्तियों द्वारा भगवान रुद्र और देवी का एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने रुद्र एवं रुद्राणी को बारंबार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी के द्वारा पठित यह पवित्र एवं उत्तम अर्धनारीश्वर स्तोत्र शिव और तथा पार्वती के हर्ष को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति पूर्वक जिस किसी भी गुरु की शिक्षा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के कारण अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त भुवनों के प्राणियों में को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनके विग्रह जन्म और मृत्यु से रहित हैं, तथा जो श्रेष्ठ नर और सुंदरी नारी के रूप में ही एक ही शरीर में धारण करके स्थित हैं, उन कल्याणकारी भगवान शिव और शिवा को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकट्य और देवी के भ्रू मध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव। वायु देवता कहते हैं, तदनंतर महादेव जी महामेघ की गर्जना के समान मधुर गंभीर मंगलदायिनी एवं मनोहर वाणी में बोले, ब्रह्मन् तुमने इस समय प्रजाजनों की वृद्धि के लिए ही तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। इस प्रकार परम उदार तथा स्वभावतः मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्ना देवी को ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं, तथा जिनमें जन्म मृत्यु और जरा आदि विकारों का प्रवेश नहीं है, वे भवानी उस समय शिव के अंग से प्रकट हुई। जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं है, वे समस्त देवताओं की भी अधीश्वरी देवी अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई। उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को देखकर विराट पुरुष ब्रह्मा ने प्रणाम किया और उन सर्वज्ञा सर्वव्यापिनी सूक्ष्मा सद सद्भाव से रहित और अपनी प्रभा से इस संपूर्ण जगत को प्रकाश करने वाली पराशक्ति महादेवी जी से इस प्रकार प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, सर्व जगन्मयी देवी, महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। इनकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ, किंतु देवी मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं। अतः अब मैं मैथुनी सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझमें शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव आपसे ही होता है, अतः सर्वत्र सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाली आप वरदायिनी माया देवेश्वरी से ही प्रार्थना करता हूँ। संसार भय को दूर करने वाली सर्वव्यापिनी देवी, इस सचराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने अंश से मेरे दक्ष की पुत्री हो जाइए। ब्रह्मयोनि ब्रह्मा के इस प्रकार याचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपनी भौहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। उसे देख देख देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वह देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपिणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गईं। फिर महादेव जी भी अंतर्धान हो गए। तभी से इस जगत के भीतर स्त्री जाति के में भोग प्रतिष्ठित हुआ और मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि का कार्य चलने लगा। मुनिवरो, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। प्राणियों की सृष्टि के प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया गया है। यह पुण्य की वृद्धि करने वाला है, अतः अवश्य सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी के शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है तथा वह शुभ लक्षण पुत्र पाता है। ओम नमः शिवाय।
भगवान शिव का पार्वती तथा पार्षदों के साथ मंत्राचल पर जाकर रहना, शुंभ निशुंभ के वध के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव का पार्वती को काली कहकर कुपित करना और काली का गौरी होने के लिए तपस्या के निमित्त आज्ञा जाने की आज्ञा मांगना। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार महादेव जी ने ही सनातन पराशक्ति को पाकर प्रजापति ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए। आधे शरीर से जो नारी उत्पन्न हुई थी वह उनसे शत्रुपा ही प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने आधे पुरुष शरीर से विराट को उत्पन्न किया। वे विराट पुरुष ही स्वयंभू मनु कहलाते हैं। देवी शत्रुपा ने अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उद्दीप्त यश वाले मनु को ही पति रूप में प्राप्त किया। इसके पश्चात मनु के वंश तथा दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि के प्रसंग सुनाकर वायु देवता ने यह बताया कि भगवान शंकर ने दक्ष तथा देवताओं के अपराध क्षमा कर दिए। तदनंतर ऋषियों ने पूछा, प्रभो अपने गणों तथा देवी के साथ अंतर्धान होकर भगवान शिव कहाँ गए, कहाँ रहे और क्या करके विरत हुए? वायुदेव बोले, महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंदराचल है वही अपनी तपस्या के प्रभाव से देवाधिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने पार्वती और शिव को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद उसे उनके चरणारविंदों के स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सहस्त्रों मुखों द्वारा 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। उसके सामने पर समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। इसीलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से उस अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंतःपुर बना लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रैभ्य आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर्धान होकर चले गए। मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहां की रमणीय तथा दिव्य अंतःपुर की भूमियों में रमण करने लगे। जब इस तरह कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ गईं, तब शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित हो परमेष्टि ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों को यह वर दिया था कि इस जगत में किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति नहीं प्राप्त हुई हो तथा जो अलंघ्य पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। उनकी इस प्रार्थना से ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय और वशट कार्यज्ञ आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की, प्रभो आप एकांत में देवी की निंदा करके भी जैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान नील लोहित रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर बोले, तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और पति देव से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली, देवी ने कहा, प्रभो यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घ काल से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे हैं? कोई स्त्री कितनी ही सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की यह सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है। यदि वह उससे वंचित हो गई तो इसका और कहाँ उपयोग हो सकता है। इसलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है उस वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हो गईं और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत हो भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए ही बोले। भगवान शिव ने कहा, प्रिय मैंने क्रीड़ा या मनोविनोद के लिए यह बात कही है। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई हो? यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो और किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता तथा अधिपति हूँ, फिर तुम पर मेरा प्रेम न होना कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का यह प्रेम भी
क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए ही की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ कुछ तिरस्कार करने लगा था, अतः मैंने उसे भस्म कर दिया। हम दोनों का यह लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए ही है, अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति यह परिहास युक्त बात कही थी। मेरे इस कथन की सत्यता तुम पर शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। देवी ने कहा, भगवन, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वह कुलांगना और शुभलक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है, इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है। अन्यथा क्रीड़ा या परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काली कलूटी कहा जाना कैसे संभव हो सकता था? मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसलिए वह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अतः तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। शिव बोले, यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें इस तरह संताप हो रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ। देवी ने कहा, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गोरी हो जाऊंगी। शिव बोले, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई थी, अतः तुम तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर क्या करोगी? देवी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है, तथापि आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्राह्मण ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने में यहाँ क्या दोष है, यह बताइए। महादेवी जी के ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कुराते हुए से चुप रह गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हट नहीं किया। ओम नमः शिवाय। पार्वती की तपस्या, एक व्याघ्र पर उनकी कृपा दृष्टि, ब्रह्मा जी का उनके पास आना, देवी के साथ उनका वार्तालाप, देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग और उससे कृष्ण वर्णा कुमारी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई कौशिकी के द्वारा शुंभ निशुंभ का वध। वायुदेव कहते हैं, महर्षियों, तदनंतर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था, उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, अतः फिर उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। तदनंतर माता पिता के घर जा उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जा स्नान के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। वे मन ही मन सदा पति के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की बाह्य विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रख कर वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्ट भाव से वहां आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया। वह उनके समीप चित्र लिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, निरंतर देवी की ओर ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई।
साथ ही उसकी जन्मसिद्ध दुष्टता नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बने रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा। अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर होती गई। देवता शुंभ आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी हो ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने शत्रु पीड़न जनित अपने दुख को उनसे निवेदन किया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे जैसे दुख देते थे वह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्यवध के लिए भगवान शंकर से हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया। वहां सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तप में परिनिष्ठित पार्वती परमेश्वरी को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा से जान पड़ती थी। अपने श्री हरि के तथा रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महामहेश्वर की भार्या आर्या जगन माता गिरिराज नंदिनी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उनके योग्य अर्घ्य देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है। अथवा यह सारा ही क्रियाकलाप आपका लीला विलास है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह रही हैं? देवी ने कहा, ब्रह्मन जब सृष्टि के आदि काल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ तब आप मेरे पति के पिता और मेरे श्वसुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं यह सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं। लोक पितामह इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतःपुर में पति के साथ जो वृतांत घटित हुआ है उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी? अतः यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। मेरे शरीर में जो यह कालापन है इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौरवर्णा होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी? अथवा यह आपकी ही एक लीला ही है? जगन माता आपकी लीला और भी लोक हित के लिए ही होती है। अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की सिद्धि कीजिए। निशुंभ और शुंभ नामक दो दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। अतः अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपने काली त्वचा के आवरण को उतार कर गौरवर्णा हो गई। त्वचा कोश काली त्वचामय आवरण रूप से त्यागी गई। जो उनकी शक्ति थी उसी का नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वह महामाया शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने उन हाथों में शंख चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप हैं, सौम्य घोर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग प्राप्त नहीं हुआ था और वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरी पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियों को साथ ले दैत्यराज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उद्यत होकर विंध्य पर्वत की ओर चली गई।
उसने सम्रांगण में उन दोनों दैत्य राजों को मार गिराया। उस युद्ध का अन्यत्र वर्णन हो चुका है, इसलिए उसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गई। दूसरे स्थलों में उसकी उहा कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। गौरी देवी का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना, ब्रह्मा जी का देवी की महत्ता बताकर अनुमति देना और देवी का माता पिता से मिलकर मंदराचल को जाना। वायु देवता कहते हैं कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मुझमें अपना मन लगाकर अन्य भाव से मेरा भजन करता रहा है, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अंतःपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नता पूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरता पूर्ण बातें बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी कहां तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहां यह आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? यह केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौ और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। यह उन सबको इच्छा अनुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता है, अतः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कलुषित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम है? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, यह ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरण में आ गया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी इसकी आपके प्रति भक्ति है, इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों में इसका क्या बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्यकर्मा होकर भी क्या करेगा? देवी आप ही अजन्मा बुद्धिमती पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। आपके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसको कर्म जनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है? आप ही असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति हैं। शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा? भगवान विष्णु को, मुझको तथा अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। देवेश्वरी आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्मत्व और स्थावरत्व का तत्काल व्यत्यास फेरबदल भी हो जाता है, अर्थात ब्रह्मा स्थावर वृक्ष आदि जो हो जाता है और स्थावर ब्रह्मा, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादि अमध्य और अनंत शक्ति सनातन है। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो नाना प्रकार के भावों से क्रीड़ा करती हैं। भला आपको ठीक ठीक कौन जानता है? अतः है पापाचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि को प्राप्त करे तो इसमें कौन बाधक हो सकता है? इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई। तदनंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वे उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हो वे आंसू बरसा रहे हो। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंगमों के कलरवों के व्याज से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दीनता पूर्वक विलाप कर रहे थे। तदनंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याघ्र को औरस पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके
सखियों से बातचीत करती और दिव्य देह की प्रभा से दशों दिशाओं को उद्दीप्त करती हुई गौरी देवी मंत्राचल को चली गई, जहां संपूर्ण जगत के आधार सृष्टा पालक और सहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे। ओम नमः शिवाय। मंत्राचल पर गौरी देवी का स्वागत महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद्य संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतःपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरवरण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंत्राचल में प्रदेश में प्रवेश किया तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली, प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा वर्ताव किया। वायु देवता ने कहा, जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों का मन हरण हो जाता है उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे, उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी तब शंकित हो उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एक टक नेत्रों से उनके मुखचंद्र की सुधा का पान सा करने लगी। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवाधिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है तब तो वह इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के, हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित करने के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है, यह स्थावर जंगम रूप जगत वाणी और अर्थमय ही है। तुम साक्षात वाणीमय अमृत हो और मैं अर्थमय परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वास पूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा और विद्यात्मा हैं। फिर हमसे वियोग होना कैसा संभव है। मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता, एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से युक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसा होगा। हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना भी कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीला पूर्वक व्यंग्य वचन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई। अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने भी मुझ पर जो क्रोध किया था वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस से सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति से कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे सत्य जान मुस्कुराकर रह गई। लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी, केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा था उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की थी उसे क्या आपने नहीं देखा। वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई है और न होगी। यो कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा सम्रांगन में शुंभ और निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। इसके साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करने वाली लोगों को प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती है। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए।
इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह में तपोवन में मेरी रक्षा की थी। यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षणात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं और तो मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरा अंतरपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर और अंततोगत्वा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बेंत की छड़ी, रत्नों से जटित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी तथा रक्षकोचित वेश धारण करके गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था, इसलिए सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्ध भूषण महादेव जी ने भी उसे रत्न भूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। ओम नमः शिवाय। अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत के अग्निशोमात्मकता का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा, प्रभो, पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्निशोमात्मक एवं वागार्थात्मक है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो, अतः इस विषय में हम क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षियों, रुद्रदेव का जो घोर तेजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है। जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे ही दोनों रस और तेज है। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की ही है, एक सोम रूपिणी और दूसरी जल रूपिणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों से ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से के अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम की दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शस्य संपत्ति भविष्य का उत्पादन करती है, वर्षा शस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्निशोमात्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहां तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहां तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है, और जहां तक अग्नि का स्थान है वहां तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसीलिए काल अग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहां तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर ही है, और जो जल का आप्लावन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति से ही इस ऊर्ध्वगामी काल अग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे, तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार शिव और शक्ति ने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्म सात हो जाता है। यह अग्नि का वीर्य है। भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बंधा हुआ जीव पाश से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने अयोग युक्ति के द्वारा फिर आप्लावित किया, इसलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग युक्ति से शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब ओर आप्लावन हो तो वह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है। अतः इस तरह का अमृत प्लावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है। शिवाग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का आप्लावन प्राप्त कर लिया, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो अग्नि के इस गुह्य स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत प्लावन को ठीक ठीक जानता है, वह अग्निशोमात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से योग मार्ग के द्वारा इसे आप्लावित करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्निशोमात्मक कहा था। उनका वह कथन सर्वथा उचित है। ओम नमः शिवाय। जगत वाणी और अर्थ रूप
इसका प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों अब यह बता रहा हूँ कि जगत की वागार्थात्मकता की सिद्धि कैसे की गई है। 6 अध्वाओं मार्गों का सम्यक ज्ञान मैं संक्षेप से ही करा रहा हूँ, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो, और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः समयानुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से 2 प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृत मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमयी विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्मा और परा। स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है। वह सूक्ष्मा कहा गई है जो चिंतन की सीमा से भी परे है, उसे परा कहा गया है। वही शक्ति स्वरूपा है, वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कहा गई है, कही गई है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की उपोद बली का उसे दृढ़ करने वाली होती है। वह संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूपा है, वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी कहा गया है, वही विशुद्धा अध्व परा माया है। वह स्वरूपता विभाग रहित होती हुई भी 6 अध्वाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन 6 अध्वाओं में से 3 तो शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथा योग्य प्राप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं, वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। मंत्राध्वा, पदाध्वा और वर्णाध्वा, ये 3 अध्वा शब्द से संबंध रखते हैं, तथा भुवनाध्वा, तत्वाध्वा और कलाध्वा, ये 3 अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में भी परस्पर व्यापक व्याप्य भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त हैं क्योंकि वे वाक्य स्वरूप हैं। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त हैं क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त हैं क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त है क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं। अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध हैं। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे भी जो तत्व हैं, वे सबके सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदि काल में 5 परिणाम हुए, वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। वे 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त हैं। अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभाग रहित होकर भी 6 अध्वाओं के रूप में विभक्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है। अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं, उसी प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं। जो अध्वाओं से प्राप्त होने वाला है, वही शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है। निवृत्ति कला के द्वारा रुद्र लोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहां तक अव्यक्त की सीमा है, वहां तक की शोध की जाती है। मध्यवर्तिनी विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विद्येश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शांत्यतीता कला के द्वारा अध्वा के अंत तक का शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया है। ये 5 तत्व बताए गए जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वही साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए कि जो अध्वा की व्याप्ति को न जानकर उस शोधन करना चाहता है, वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ, केवल नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो चित्त स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है, वही आज्ञा है। उस कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से ही शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी भी विकार नहीं होता। यह विकार की प्रतीति माया मात्र है। न तो बंधन है और न उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो अव्यभिचारिणी पराशक्ति है, वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली
और विशेषतः उनके उन उन विलक्षण भावों से युक्त है। उसी शक्ति के साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के साथ ही उनकी गृहिणी बहन बनकर रहती हैं। जो प्रकृति जन्य जगत रूप कार्य है वही उन शिव दंपत्ति की संतान है। शिव कर्ता है और शक्ति कारण, यही उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही दो रूपों में स्थित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष रूप में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य संवेद है, जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार चित्त स्वरूपिणी पराशक्ति शिव से अभिन्न ही है। यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है, उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मिका प्रकृति इन तीन रूपों में स्थित हो छह अध्वाओं को प्रकट करती है। वह छह प्रकार की अध्वा वागार्थमय है, वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।